हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध। उसके बारे में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि शीत युद्ध क्या है और साथ ही साथ इसके कारण, इसके इवेंट्स एंड स्टेजेस, और लास्ट में हम इसके डिस्कस करेंगे कंक्लूजन। शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, वर्तमान में रूस, ने कंधे से कंधा मिलाकर दूरी राष्ट्रों जिसमें जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष किया था। इसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, फ्रांस और ब्रिटेन की स्थिति खराब हो गई और अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में तनाव, संदेह, अनबन, अविश्वास, प्रतिशोध व विभिन्न घटनाओं ने दोनों युद्ध की होने के बजाय यह शीत युद्ध में बदल गया। मैं आपको बता दूं, अमेरिका और सोवियत संघ की शासन व्यवस्था में अंतर था। अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, जबकि सोवियत संघ में एक दलीय शासन व्यवस्था थी, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी जबकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी थी। दोनों महाशक्तियाँ अपने अपने संकीर्ण स्वार्थ को ही ध्यान में रखकर प्रथम विश्वयुद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध लड़े थे और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थी। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी वो युद्ध के बाद समाप्त होने लगी थी और शीत युद्ध के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरने लग गए थे। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे शस्त्र सज्जित शांति का नाम भी दिया गया है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, पश्चिमी या पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका ने किया था, दूसरा समाजवादी गुट जिसका नेतृत्व सोवियत संघ यानी रूस ने किया। इस तरह सोवियत संघ व अमेरिका दो महाशक्तियों का उदय हुआ। शीत युद्ध का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट तौर पर बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था। अमेरिका राजनयिक बर्नार्ड बारचू ने पहली बार शीत युद्ध का प्रयोग 16 अप्रैल 1947 ईस्वी में किया। बाद में वॉल्टर लिपमैन ने शीत युद्ध 1947 में इसे लोकप्रिय बनाया। यह एक ऐसा युद्ध है जिसका रणक्षेत्र मानव का मस्तिष्क होता है। मनुष्य के मनों से लड़े जाने वाला युद्ध है, इसे स्नायु युद्ध भी कहा जाता है। इसमें सीधे तौर पर युद्ध नहीं होता है, परंतु राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संबंधों में शत्रुता भर तनाव की स्थिति रहती है। शीत युद्ध की अवधि 1945 से 1991 तक का था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शीत युद्ध की परिभाषाएं। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह अस्त्र शस्त्रों का युद्ध ना होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया, यह केवल परोक्ष युद्ध तक ही सीमित रहा। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों ने अपनी वैचारिक मतभेद ही प्रमुख रखे। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था जो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वार्थ सिद्धियों के प्रयासों पर ही आधारित रहा। शीत युद्ध की परिभाषाएं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, शीत युद्ध सतर में नहीं लड़ा जाता परंतु व्यक्तियों के मस्तिष्क में लड़ा जाता है। एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, जॉन फास्टर डेलेस के अनुसार शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए
गलतियों के विरुद्ध और धर्म प्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था, अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू। शीत युद्ध का परिभाषित करते हुए कहा कि यह युद्ध निलंबित मृत्युदंड के वातावरण का युद्ध था जो गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध की प्रकृति। दोनों मध्य कूटनीति के संबंध होते हैं, परंतु शत्रुता की भावना विद्यमान रहती है। युद्ध में विरोधियों में तनाव, संदेह, अनबन, अविश्वास और द्वेष बना रहता है। इसमें सीधी मुठभेड़ नहीं होती, परंतु अन्य साधन जैसे प्रचार, रेडियो, पत्रिकाओं के माध्यम से कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है। शीत युद्ध के उपकरण। शीत युद्ध एक राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति होती है। यह दिमागों का युद्ध तथा एक स्नायु युद्ध होता है। ऐसी स्थिति में ना तो युद्ध होता है और ना ही शांति कायम होती है। विरोधी दल दूसरे देश को अपने प्रभाव में लाने हेतु शस्त्र सप्लाई, आर्थिक सहायता तथा सैनिक हस्तक्षेप का सहारा लेते हैं। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं शीत युद्ध की उत्पत्ति। शीत युद्ध के लक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही प्रकट होने लगे थे। दोनों महाशक्तियां अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों को ही ध्यान में रखकर युद्ध में लड़ रही थी और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थी। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी वो युद्ध के बाद समाप्त होने लगी थी और शीत युद्ध के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरने लग गए थे। दोनों गुटों में ही एक दूसरे के शिकायत करने की भावना सुदृढ़ हो गई थी। इन शिकायतों के कुछ सुदृढ़ आधार थे। ये पारस्परिक मतभेद ही शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे। शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण है जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन ना किया जाना। याल्टा सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन के बीच में हुआ था। इस सम्मेलन में पोलैंड में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को मान्यता देने की बात पर सहमति हुई थी, लेकिन युद्ध की समाप्ति के समय स्टालिन ने वादा से मुकरते हुए वहां पर अपनी लुबनिन सरकार को सहायता देना शुरू कर दिया था। उसने वहां पर अमेरिका तथा ब्रिटेन के प्रवेशकों को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया और पोलैंड की जनवादी नेताओं को गिरफ्तार करना आरंभ कर दिया। उसने समझौते की शर्तों के विपरीत हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया तथा बुल्गारिया में भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने दूरी शक्तियों के विरुद्ध पश्चिमी राष्ट्रों की मदद करने में भी हिचकिचाहट दिखाई। उसने चीन के साम्यवादी दल को भी अप्रत्यक्ष तौर से सहायता पहुंचाने का प्रयास किया। उसने मंचूरिया संकट के समय अपना समझौता विरोधी रूप प्रकट किया। इस तरह याल्टा समझौते के विपरीत कार्य करके सोवियत संघ ने आपसी अविश्वास व वैमनस्य की भावना को ही जन्म दिया जो आगे चलकर शीत युद्ध का आधार बनी। नेक्स्ट, सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद। युद्ध के समय ही इन दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद उभरने लगे थे। सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता था, जबकि अमेरिका पूंजीवाद का प्रबल समर्थक था। सोवियत संघ ने समाजवादी आंदोलन को बढ़ावा देने की नीति अपनाई। उसने अमेरिका के मन में अविश्वास की भावना को जन्म दिया। सोवियत संघ ने अपनी इस नीति को न्यायपूर्ण और आवश्यक बताया। इससे पूंजीवाद का गहरा आघात पहुंचाया और अनेक पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका के पक्ष में होकर सोवियत संघ की समाजवादी नीतियों की निंदा करने लगे। इस प्रकार पूंजीवाद बनाम समाजवादी विचारधारा में तालमेल के अभाव के कारण दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का जन्म हुआ। नेक्स्ट, सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। सोवियत संघ ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही अपने राष्ट्रीय हित में वृद्धि करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। 1917 की समाजवादी क्रांति का प्रभाव दूसरे राष्ट्रों पर भी पड़ने की संभावना बढ़ गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसके शक्ति प्रदर्शन ने पश्चिमी राष्ट्रों के मन में एशिया की भावना पैदा कर दी थी।
और पश्चिमी राष्ट्रों को भय लगने लगा था कि सोवियत संघ इसी ताकत के बल पर पूरे विश्व में अपने साम्यवादी कार्यक्रम फैलाने का प्रयास करेगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तो वह चुप रहे, लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने सोवियत संघ की बढ़ती शक्तियां पर चिंता जताई। उन्होंने सोवियत संघ की विरोधी नीतियों पर अमल लाने में शुरू कर दिए। उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों को सोवियत संघ के विरुद्ध एकजुट करने के प्रयास तेज कर दिए। इससे युद्ध शीत युद्ध को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक ही था। नेक्स्ट है ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 6 महीनों के अंदर ही ईरान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने का समझौता किया था। युद्ध की समाप्ति पर पश्चिमी राष्ट्रों ने तो ये वायदा के मुताबिक दक्षिणी ईरान से अपनी सेनाएं हटाने का वादा कर दिया, लेकिन सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया। उसने ईरान पर दबाव बनाकर उसके साथ एक दीर्घकालीन तेल समझौता कर लिया। इससे पश्चिमी राष्ट्रों के मन में द्वेष की भावना पैदा हो गई। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव पर ही उत्तरी ईरान से सेना हटाई। सोवियत संघ की इस समझौते नीतियों ने शीत युद्ध का जन्म दिया। नेक्स्ट है टर्की में सोवियत हस्तक्षेप। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने टर्की में अपना दबाव बनाना आरंभ कर दिया। उसने टर्की पर कुछ प्रदेश और वास्फोरम में एक सैनिक अड्डा बनाने के लिए दबाव डाला। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। इस दौरान अमेरिका ने टू मैन सिद्धांत का प्रतिपादन करके टर्की को हर संभव सहायता देने का प्रयास किया, ताकि वास पर समाजवादी प्रभाव को कम किया जा सके। इस परस्पर विरोधी कार्रवाइयों ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है यूनान में साम्यवादी प्रसार। 1944 के समझौते के तहत यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार उचित ठहराया गया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने आर्थिक विकास के दृष्टिगत वहां से अपनी सैनिक ठिकाने वापस हटा लिए। सोवियत संघ ने ईरान में गृह युद्ध छिनने पर वहां के साम्यवादियों की मदद करनी शुरू कर दी। पश्चिमी शक्तियों परंपरागत सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आई। अमेरिका ने मार्शल योजना और टू मैन सिद्धांत के तहत यूनान में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इससे साम्यवादी कार्यक्रम को यूनान में गहरा धक्का लगा और सोवियत संघ का सपना चकनाचूर हो गया, और अंततः इस वातावरण में शीत युद्ध को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक ही था। नेक्स्ट है द्वितीय मोर्चे संबंधी विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के नेतृत्व में जब जर्मनी सेनाएं तेजी से सोवियत संघ की तरफ बढ़ रही थी, तो सोवियत संघ ने अपनी भारी जानमाल के नुकसान का रोकने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से सहायता की मांग की। सोवियत संघ ने कहा कि पश्चिमी शक्तियों को जर्मन का वेग कम करने के लिए सोवियत संघ में जल्द ही दूसरे मोर्चा खोल देनी चाहिए, ताकि रूसी सेना पर जर्मनी का दबाव कम हो सके। लेकिन पश्चिमी शक्तियों ने जानबूझकर दूसरा मोर्चा खोलने में बहुत देर की। इससे जर्मन सेनाओं को रूस में भयानक तबाही करने का मौका मिल गया। इससे सोवियत संघ के मन में पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध नफरत की भावना पैदा हो गई, जो आगे चलकर शीत युद्ध के रूप में प्रकट हुई। नेक्स्ट है तुष्टीकरण की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों ने दूरी शक्तियों जिसमें जर्मनी जापान इटली के आक्रमणों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की रक्षा करने की बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उन्होंने जानबूझकर अपने मित्र राष्ट्रों को सहायता नहीं पहुंचाई और अपने मित्र राष्ट्रों को दूरी शक्तियों के हाथों पराजित और अपने राष्ट्रों को दूरी शक्तियों के हाथों में पराजित होने देने के लिए वादे किया। इससे युद्ध में पूर्व किए गए संधियों व समझौते के प्रति उनके मन में अविश्वास की भावना पैदा हो गई, जिससे आगे चलकर शीत युद्ध के रूप में परिणित हुई। नेक्स्ट है सोवियत संघ द्वारा बालकान समझौते की उपेक्षा। बालकान समझौते के तहत 1944 में पूरे यूरोप का विभाजन करने पर
सोवियत संघ तथा ब्रिटेन में सहमति हुई थी। इसके तहत बुल्गेरिया तथा रोमानिया पर सोवियत संघ का तथा यूनान पर ब्रिटेन का प्रभाव स्वीकार करने पर सहमति हुई थी। हंगरी तथा यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव मानने की बात कही गई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर सोवियत संघ ने ब्रिटेन के प्रभाव की उपेक्षा करके अपने साम्यवादी प्रसार को तेज कर दिया और उन देशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना करा दी। इससे पश्चिमी राष्ट्रों ने गैर समझौतावादी कार्य कहा। इससे सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियों की दूरियां बढ़ने लग गई थी और शीत युद्ध का वातावरण तैयार हो गया। नेक्स्ट है अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने गुप्त तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित किया और सोवियत संघ की सहमति के बिना ही उसने जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। अमेरिका ने अपने युद्ध तकनीक की जानकारी सोवियत संघ को ना देकर एक अविश्वास की भावना को जन्म दिया। इससे सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों के बीच सहयोग के कार्यक्रम को गहरा आघात पहुंचा। सोवियत संघ अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम पर एकाधिकार का सहन नहीं कर सका। इससे उसके मन में यह शंका पैदा हो गई कि पश्चिमी राष्ट्रों को उससे घृणा है। इसी भावना ने शीत युद्ध को जन्म दिया। परस्पर विरोधी प्रचार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार अभियान में जुट गई। 1946 में सोवियत संघ ने कैनेडियन रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ को एक भुजा है। इससे सरकार और गैर सरकारी क्षेत्रों में सोवियत संघ के साम्यवादी प्रचार की जोरदार निंदा हुई। इससे सोवियत संघ भी सतर्क हो गया और उसने अमेरिका की जोरदार आलोचना करना शुरू कर दिया। मुंडो सिद्धांत इसका स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें साम्यवादी ताकतों को पश्चिमी गोलार्ध में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रति सचेत रहने को कहा गया। इसी तरह टूमैन सिद्धांत तथा अमेरिका सीनेट द्वारा खुले रूप से सोवियत विदेश नीति की आलोचना की जाने लगी। इसके बाद सोवियत संघ ने अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध साम्यवादी ताकतों को इकट्ठा करने के लिए जोरदार अभियान चलाया। इस प्रचार अभियान ने परस्पर वैमनस्य की शंका की भावना को जन्म दिया, जो आगे चलकर शीत युद्ध के रूप में सामने आया। नेक्स्ट है लैंड लीज समझौते का समापन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका तथा सोवियत संघ में जो समझौता हुआ था, इसके तहत सोवियत संघ को जो अपर्याप्त सहायता मिली थी, पर अमेरिका ने किसी पूर्व सूचना के बिना ही बंद कर दी। इस निर्णय से सोवियत संघ का नाराज होना स्वाभाविक ही था। सोवियत संघ ने इसे अमेरिका की सोची समझी चाल समझकर उसके विरुद्ध अपना रवैया कड़ा कर दिया। इससे दोनों महाशक्तियों में आपसी अविश्वास की भावना अधिक बलवती हुई और इससे शीत युद्ध का वातावरण तैयार हो गया। नेक्स्ट फासीवादी ताकतों का अमेरिकन सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश इटली से अपने संबंध बढ़ाने के प्रयास करने लग गए। इससे सोवियत संघ को शंका हुआ कि इटली में फासीवाद को बढ़ावा देना तथा साम्यवाद को कमजोर करने में इन्हीं ताकतों का हाथ है। इससे सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी भूमिका सिमटती नजर आई। इस सोच ने दोनों के मध्य दूरियां बढ़ा दी। नेक्स्ट बर्लिन विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सोवियत संघ का पूर्वी बर्लिन तथा अमेरिका तथा ब्रिटेन का पश्चिमी बर्लिन पर अधिकार हो गया था। शीत युद्ध के बाद पश्चिमी ताकतों ने अपनी क्षेत्राधीन बर्लिन प्रदेश में नई मुद्रा का प्रचलन शुरू करने का फैसला किया। इस फैसले के विरुद्ध जून 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी सोवियत संघ ने कर दी। इसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ व अमेरिका या ब्रिटेन के बीच हुई प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो गया। इसके लिए सोवियत संघ को पूर्ण रूप से दोषी माना गया। सोवियत संघ अपना दोष स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इससे मामला सुरक्षा परिषद में पहुंच गया और दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध के बादल मंडराने लग गए।
नेक्स्ट है सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इस संस्था में 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त हुई। सोवियत संघ ने बार बार इस शक्ति का प्रयोग करके पश्चिमी राष्ट्रों के प्रत्येक सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। इस तरह अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए गए प्रत्येक प्रस्ताव को हार का सामना करना पड़ा। इससे अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की आलोचना करने लगे और उनसे परस्पर तनाव का माहौल पैदा हो गया, जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। नेक्स्ट है संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित संकीर्ण राष्ट्रहित। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ को अपने स्वार्थ को साधने लग गए थे। वे लगातार एक दूसरे के हितों की अनदेखी करते रहे। इससे शक्ति राजनीति का जन्म हुआ। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की शत्रु बन गए। दोनों महाशक्तियां अपना अपना प्रभुत्व बढ़ाने के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का अखाड़ा बन गई। उनके स्वार्थमयी हितों ने धीरे धीरे पूरे विश्व में तनाव का वातावरण पैदा कर दिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के प्रभाव। फर्स्ट है विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था। एक गुट पूंजीवादी देशों का था, जिसका नेतृत्व अमेरिका करता था। दूसरा गुट समाजवादियों का था, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ करता था। अतः विश्व की समस्याओं को इस गुटबंदी के आधार पर देखा जाने लगा था। इसी कारण अनेक अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उलझी पड़ी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित द्विध्रुवीय राजनीति के परिणाम स्वरूप इन गुटों में शामिल राष्ट्रों को अपनी स्वतंत्रता के साथ समझौता करना पड़ा। रोमानिया बुल्गारिया जैसे राष्ट्रों को सोवियत दृष्टिकोण से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा और फ्रांस और ब्रिटेन को अमेरिका नज़रे से दुनिया देखने को विवश होना पड़ा। शीत युद्ध की बदौलत अपनी द्विगुटीय विश्व राजनीति ने मध्यमार्ग की गुंजाइश को समाप्त कर दिया और इस भावना को जन्म दिया कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा शत्रु है। नेक्स्ट है आणविक युद्धों की संभावना का व्यय। शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप आणविक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया गया। अमेरिका ने सन 1945 में एटमी बम का पहली बार प्रयोग जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर किया। शीत युद्ध के वातावरण में यह अनुभव किया गया कि अगला विश्व युद्ध भयंकर और विनाशकारी आणविक युद्ध होगा। क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। इसी प्रकार फरवरी 1991 में खाड़ी युद्ध के समय भी आणविक युद्ध का खतरा पैदा हो गया था। खाड़ी युद्ध की स्थिति थी, उसके संदर्भ में अधिकांश देश के आणविक युद्ध में खतरे से भयभीत थे। आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई है। नेक्स्ट है आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ाया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरा तनाव, वैमनस्य मनोमालिन्य प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति आ गई। विभिन्न राष्ट्रों और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। नेहरू ने ठीक ही कहा था कि हम लोग निलंबित मृत्यु के युग में रह रहे हैं। नेक्स्ट है सैनिक संधियों व सैनिक गठबंधनों का बहुल है। शीत युद्ध ने विश्व सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो तथा वार्सा पैक्ट जैसे गठबंधनों का उद्भव प्रदुभव शीत युद्ध का ही परिणाम था। इसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई और उन्होंने शस्त्रीकरण की समस्याओं को और अधिक जटिल बना दिया। वस्तुतः इन सैनिक संगठनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में रख दिया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण। शीत युद्ध का स्पष्ट आधार लिया जाता है कि दुनिया दो भागों में विभाजित है। एक खेमा देवताओं का है, दूसरा दानवों का है।
तथा दूसरा दानव का एक तरफ काली बेड़े है तो दूसरी तरफ सफेद बेड़े है, इसके मध्य कुछ नहीं है। इससे जहाँ इस दृष्टिकोण का विकास हुआ है कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे विरोधी है, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम यांत्रिकरण हो गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण हुआ। अब शांति की बात करना भी संदेहास्पद लगता था। अब शांति का आधार युद्ध के संदर्भ में लिया गया। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संचालन दुष्कर कार्य समझने जाने लगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का शक्तिहीन होना। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम संचालन में अवरोध उत्पन्न हुआ। महाशक्तियों के पारस्परिक सहयोग एवं तनाव के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ 5 महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया। इसकी बैठकों में कोरे वाद विवाद होते रहे किंतु इसकी बैठक में कोरे वाद विवाद होते रहे किंतु इनको मानता कोई नहीं था। एंड लास्ट मानवीय कल्याण के कार्यक्रम की उपेक्षा। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा की व्यवस्था तक ही सीमित रह गया। इससे मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा हुई। शीत युद्ध के कारण ही तीसरे दुनिया के अविकसित और अर्धविकसित देशों की भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान यथासमय संभव नहीं हो सका, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण मुख्यतः शक्ति की राजनीति तक ही सीमित रहा। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ द दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।